वायु सेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर 1000 किलोग्राम का बम से आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिससे आज भारत के शहीद हुए वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है, जिसको लेकर जनमानस में खुशी की लहर देखने को मिली है। वहीं पटना सिटी में होली विजन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने बैंड बाजों के साथ हाथों में तिरंगा लिए, स्लोगन भरी तख्तियां लिए, देशभक्ति के नारों के साथ सड़कों पर निकल पड़े। 40 के बदले 400 भारत की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से भगत सिंह चौक पुलवामा में जिस समय हमारे 41 सैनिक आतंकियों की चपेट में आ गए थे, पूरे देश में आक्रोश की लहर थी और देश का जनमानस इस कार्रवाई के विरोध में हमेशा तत्पर था और उनकी आवाज थी कि इस कार्रवाई का जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान को सबक मिले। आज भारतीय सेना ने अपने पराक्रम और वीरता का परिचय देते हुए पुलवामा के आतंकियों को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। पीओके में घुस करके पाकिस्तान के अनेकों अड्डों को, आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दिया है। हम भारतीय सेना की वीरता और शौर्यता के बड़े पराक्रम पर आज अभिनंदन यात्रा निकाल रहे हैं। और पटना सिटी का यह पहला विद्यालय होली विजन इंटरनेशनल स्कूल है, जिसने की सेना की कार्रवाई का भरपूर समर्थन किया है। आगे भी हमारे बच्चे सेना के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जब भी देश को जरूरत होगी, हम और हमारे बच्चे हमेशा खड़े रहेंगे, उनका मनोबल सेना का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। संतोष कुमार शर्मा, निदेशक होली विजन इंटरनेशनल स्कूल। इस सैन्य पराक्रम आभार यात्रा में आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। पटना सिटी से एंकर पिंकी सिंह के साथ न्यूज़ ग्राम 24।